सभी की आंखें तो नम होना जायज है, आखिर सबने एक सितारा खोया है। पहचान ही ऐसी बनाई है उन्होंने सभी के दिलों में कि उनके चले जाने पर सारा जहां रोया है। जानी मानी अदाकारा सुरेखा सिकरी का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार 75 वर्ष की आयु में कार्डिक अरेस्ट के चलते उन्होंने आखिरी सांस ली। सुरेखा सिकरी लंबे समय से बीमार चल रही थी। उन्हें 2020 में दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक आया था और तभी से उनकी तबीयत और खराब चल रही थी। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर घर घर में खास पहचान हासिल की थी। सुरेखा जी भले ही लीड एक्ट्रेस के तौर पर पर्दे पर ज्यादा ना दिखी हो, लेकिन उन्होंने अपनी हर भूमिका को इतनी खूबसूरती से निभाया कि वो हर किरदार पर भारी पड़ती थी। सुरेखा सिकरी का जन्म 19 अप्रैल 1945 को नई दिल्ली में हुआ था। इस मंझी हुई अदाकारा के काम में उनका जुनून और प्यार साफ तौर पर दिखता था। हालांकि कम ही लोग जानते होंगे कि सुरेखा जी को एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक पत्रकार या लेखिका बनना था। बचपन से ही सुरेखा जी पत्रकार बनने के सपने देखा करती थी। हालांकि उनकी किस्मत ने तो उनके लिए कुछ अलग ही चुन कर रखा था। सुरेखा जी उन दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। तब उनके कॉलेज में एक बार अब्राहम अलकाजी साहब पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक नाटक प्रस्तुत किया जिसका नाम द किंग लियर था। इस नाटक ने सुरेखा जी के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी। सुरेखा जी ने काफी समय तक थिएटर किया। ढेर सारी फिल्मों में काम करने के अलावा टीवी शो बालिका वधू में निभाए अपने दादी सा के किरदार से वो घर घर में मशहूर हो गई। कुछ समय पहले ही सुरेखा जी को फिल्म बधाई हो में निभाए अपने जबरदस्त किरदार के लिए 66 नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये पल हर किसी के लिए बेहद खास था। इस पुरस्कार को हासिल करने के लिए सुरेखा जी व्हीलचेयर पर पहुंची थी। वाकई में सुरेखा जी का चले जाना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। हमारी तरफ से सुरेखा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।